ऋषि का खाना ले आए हैं, लिट्टी चोखा, धनिया पत्ता का चटनी और सरसों का चटनी। हम चाय लेकर आ रहे हैं। हाँ बेटा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का बज रहे 5:30 और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। तो अभी ऋषि भी सोया हुआ है, उसको भी उठाएंगे क्योंकि उसका काम है। ऋषि उठ जा बेटा। और यहाँ पर ईची भी सोया हुआ, उसको हम क्या किए, बेडशीट से लपेट दिए, बेड से निकाल के। ओ ईची, ईची। तो बच्चों को उठाकर हम आ गए किचन और यहाँ पर बना रहे आलू का भुजिया और बनाएंगे पराठा। ईची को खिला भी देंगे और ईची टिफिन में भी ले जाएगा। तो चलते हैं, पहले कर लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मुझे मिलेगा। 1 महीने के बाद ईची स्कूल जा रहा है। ईची कैसा लग रहा है? ईची का तबीयत भी खराब था, कल फीवर था, पर ईची पूरा स्कूल जाने के लिए बोल रहे। स्कूल तो हम जाएंगे क्योंकि उसको स्कूल से बहुत प्रेम है। स्कूल अपसेट वो नहीं करता है, स्कूल से बहुत अच्छा लगता है ना ईची। स्कूल अपसेट नहीं करता मेरा ईची, स्कूल उसका फेवरेट जगह है, एकदम बहुत अच्छा बात है। बाय बेटू, बाय। मैम को बोलना फैन के नीचे। हाँ बोला मैम, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बाय बाय बाय। तो यहाँ पर ऋषि मॉर्निंग में ही साइकिल साफ कर रहा है, अपना और ईची का, दोनों का साइकिल बहुत गंदा हो चुका है। तो सारा काम करके अब हम चले नहाने के लिए और ऋषि अभी तक साइकिल धो रहा है और ये तो बाबू को छोड़ के गया है, तो थोड़ा मार्केट भी कर लेंगे दुकान का। तो हम चलते हैं नहाने के लिए। तो नहा के आकर हमने नाश्ता कर लिया और ऋषि ही पूजा कर दिया क्योंकि आने में बहुत लेट कर दिए, 9:15 कर दिया। आके बस नहाए हैं और नहा के अब नाश्ता कर रही है और हम लोग, हम ऋषि और पूजा सब नाश्ता कर चुके हैं। तो सारा काम करके हम आ गए किचन और किचन में दाल चावल हम बैठा दिए और बनाएंगे आज भिंडी का भुजिया। तो भिंडी हम वॉश करके रख चुके हैं और इसको भी कट करेंगे। और देखिए यहाँ पर आधा एप्पल रखा हुआ है, डेढ़ एप्पल हमने इन्हें काट कर टिफिन में दे दिया, सूरज आया था। तो चलते हैं पहले भिंडी काटने के लिए। 2:15 और ईची मेरा स्कूल से आ गया है। ईची आ गया बेटा। ईची पूरा थक गया है, आज समर वेकेशन का पहला दिन है ना। ईची कैसा लगा स्कूल में? गंदा लगा। क्यों? मैम लोग इतना सारा होमवर्क देती है। तो स्कूल तो सब पढ़ने ही नहीं जाता बेटा। नहीं। चलो अब तुम ड्रेस खोल देते, नहा लो। हाँ पूरा रास्ता हम स्कूटी दुरुं 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 गए। एक्सीलेटर लेकर आ रहे थे। रास्ता ही चला है स्कूटी। हाँ हमसे बैलेंस हाथ में लगा, पूरा रास्ते ब्रेक खुद मारा, पूरा रास्ता ही। आप तो लोग दोनों मार खाएगा। और यहाँ पे हम खाना निकाल लिए और इसी खाना भी स्टार्ट कर दिया है और ये शायद गए ईची के पास थोड़ा सा। और खाने में दाल चावल चोखा भिंडी भुजिया दही और आम। तो ऋषि को बहुत जोर से भूख लग गया। तभी बच गए 6:00 और मैंने अपना शाम का सारा काम कर लिया। ऋषि तो ट्यूशन गया है, आज चूंकि मंडे है तो ऋषि का 3-3 ट्यूशन रहता है और उसका सारा समय ट्यूशन में ही आज निकल जाता है। और ईची फिलहाल फ्रेश होकर बैठ गया होमवर्क करने के लिए, कुछ होमवर्क उसका बाकी था तो कर ले रहा है, अभी सर आएंगे और हम चले कपड़ा समेटने के लिए। यहाँ पर अपना ईची कुछ होमवर्क बाकी है वो कर ले रहा है। मैंने अपना सारा काम तो कर ही लिया, एकदम फ्रेश है, चारों तरफ मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं है, बस थोड़ा सा बाकी है कपड़ा। तो कपड़ा भी हम जा रहे समेट लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बैठेंगे। तो ईची का ट्यूशन पढ़ना हो गया, उसकी छुट्टी हो गई। तो ईची गया चॉप लाने के लिए, बोला मम्मी चॉप मुड़ी खाने का मन कर रहा है। ठीक है खा लो। और इतनी गर्मी हो रखी है कि किचन में बहुत दम घुटता है। और देखिए हम आज कंघी भी नहीं किए हैं, टाइम ही नहीं मिलता जरा सा मुझे तैयार होने का, कंघी करने का, इतना काम रहता है घर में, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी और आज डिनर में ऋषि बोला कि मम्मी चाहे कुछ हो जाए हमको सत्तू वाला लिट्टी खाना है। तो कैसे मना कर सकते हैं बच्चे को, बच्चे को खाने का मन कर रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सत्तू का मसाला, देखिए सत्तू लहसुन मिर्च जितना सामान पड़ता है सब इसमें डाल दिए हम अच्छी तरह से, मसाला ही तो मेन होता है लिट्टी का। तब इसको अच्छी तरह से हम सानेंगे और इधर हमने आलू भी उबाल लिए और उधर हम टमाटर पका रहे हैं। तो अभी बच गए हैं 10:00 और ये अभी जस्ट शॉप से आए हैं और आते के साथ फ्रेश हुए और फ्रेश होकर चले गए किचन लिट्टी छानने के लिए क्योंकि मुझे भरना नहीं आता, तो वो छान रहे। तो देखिए ये फटाफट भर रहे और छानेंगे। तो बच्चों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है क्योंकि ऋषि आज बोला लिट्टी नहीं बनेगा तुम खाएंगे नहीं। ये लिट्टी छना रहा है यहाँ पे। ऋषि का खाना ले आया है, लिट्टी चोखा, धनिया पत्ता का चटनी और सरसों का चटनी। हम चाय लेकर आ रहे हैं। हाँ बेटा उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। तो चाय भी ला कर दे दिए हैं, अब ऋषि खाकर बताएगा कैसा लगा।
गरम लगा इसको, गरम को लगा, गरम 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 बताने। हाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा, पहला खाने ही चना है तुमको दिए हम। अच्छा लगा तो ठंडा हो जाए तो मजा आएगा। फिलहाल थोड़ा सा काम बाकी है, इसी का बुक तो हम समेटती है, पर थोड़ा सा डायरी उसका फिलअप करना है, न्यू क्लास का न्यू डायरी, तो वो करके चलते हैं सोने के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, नींद भी काफ़ी आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग का ही पेंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।